आवाज को क्या हो गया? एक्चुअली ये जो भूमिका मैं बना रही हूं ना, ये मैं आपको डराने के लिए बना रही हूं। अब आप कुछ ऐसे ही डर सकते हैं। हाँ, स्टे अलर्ट, अपना ध्यान रखिए। ये जो ऑडियो आ रहा है ना, ये बता रहा है कि अभी हम चलने वाले हैं भूतिया गांव में। भूत सुभान अल्लाह, इस सुभान अल्लाह के जो कबीर और जारा है ना, वो भी इस गांव में पहुंचे हुए हैं। गांव शैतानी और होलिया अफगानी, कबीर और जारा की ये है भूतिया कहानी। भूतिया गांव में कदम रखते ही जारा की ऊंची सैंडल ने कर दिया ट्रबल। मैडम को चोट लगी है और कबीर है कि बिना हाथ लगाए उन्हें ठीक करना चाहते हैं। वो ही अगर तुम्हें कुछ होगा हम तुम्हें अस्पताल लेके जाएंगे, छुएंगे भी, लेकिन हमें बुरा नहीं लगेगा। जानती हो हम भी तो इंसान है, दिल है हमारे पास। अगर तुम्हें लगेगा ना, हम तुम्हें अस्पताल लेके जाएंगे उठाकर। हालात शायद हमारी दोस्ती को और बढ़ा दे, बस इतना ही कह सकते हैं। इस मुश्किल हालात में प्यार की शुरुआत होगी या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। अभी तो कबीर और जारा का मकसद जलालपुर से शरिया बोर्ड के उन मेंबर्स को निकालना है जिन्हें शहबाज और जलाली ने यहाँ फंसाया हुआ है। कामरान को ढूंढो, शरिया बोर्ड के मेंबरान कामरान, क्योंकि हमें उसकी इस्तीफे की जरूरत है। उसे ढूंढकर उसे वापस लखनऊ लेके जाओ। कोई तामझाम नहीं चाहिए, कोई लड़ाई नहीं चाहिए, कोई धमाका नहीं चाहिए, सिंपल रखना है, इसलिए ये सब हो रहा है। वैसे ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जल्द ही यहाँ कबीर और जारा का जन्नत से आमना सामना होने वाला है। फिलहाल उनके सामने शहबाज और जलाली है, लेकिन कबीर ने खुद को बिजनेसमैन बताकर अपनी पहचान छुपा ली है और अब जलाली उसके साथ अफीम का धंधा करना चाहता है। एक साल में सिर्फ 10 किलो ही पैदा होती है, हवाओं का हो जाता है। इन्हें इनके रहने की जगह दिखाइए, बहुत खास मेहमान है ये हमारे। तो भूतिया गांव में कबीर और जारा बन गए हैं जलाली के मेहमान। अब देखना ये है कि कबीर कैसे करते हैं इस समस्या का समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।